इन परभणी केबल नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात इन परभणी न्यूज। जिंतूर येथे गेल्या 2 महिन्यापासून शाहीन बाग NRC CAA NPR कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी धरणे आंदोलन सुरू आहे, परंतु देशामध्ये कोरोना व्हायरस हा मोठ्या प्रमाणात पसरला असून जनता परेशान आहे। कोरोनामुळे आज जागतिक पातळीवर लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, त्याकरता जिंतूर येथील शाहीन बाग कोरोनामुक्त झाल्यानंतर परत हे आंदोलन सुरू राहणार असे मौलाना तजमुल अहमद खान यांनी आमचे प्रतिनिधी शेख रहीम यांना बोलताना सांगितले। आपको शाहीन बाग उठाया गया है वहां से तहसील कार्यालय के सामने से, तो क्या आपको कोई उसमें दिक्कत आई है? आपको तहसीलदार ने कोई नोटिस दिए या आपने वापस उनको नोटिस दिए बाद में और आप बैठेंगे बोल के? शाहीन बाग जिंतूर के आज उठाने का जो फैसला लिया गया था, इसमें ना हुकूमत का, ना शासन का, ना प्रशासन का, हम पर किसी का दबाव नहीं था, बल्कि हमारे पूरे मुल्क में ये महामारी कोरोना वायरस जो फैल रहा है और इसके अंदर हमारे मुल्क के लाखों की तादाद में हलाकतें होने का अंदेशा है, बीमारी ना फैले, इसलिए हमने शाहीन बाग को उठाने का फैसला पूरी संविधान बचाओ कमेटी के माध्यम से किया है। और हमारा मकसद यह है कि शाहीन बाग में चूँकि बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे थे और 144 लागू थी पूरे मुल्क के अंदर, पूरे ज़िले परभणी के अंदर, और अगर 5 से ज़्यादा लोग वहाँ जमा होते तो कानून की खिलाफ वर्जी होती, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे भाइयों से कानून की खिलाफ वर्जी हो, कोई कलम हमसे टूटे। और जहाँ मजमा जमा होने का जहाँ अंदेशा है, वहाँ पर बीमारी फैलने का भी अंदेशा है, इसलिए हमने खुद अपने तौर पर हमारी पूरी कमेटी ने मशवरा किया और हमने निवेदन पेश किए तहसीलदार साहब को, जिन्होंने हमारा आभार भी व्यक्त किए कि हुकूमत की जो कोशिशें हो रही है कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए, उसमें आपका यह सहकार्य हम कबूल करते हैं, आपका सपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए हमारे ऊपर किसी का दबाव या पुलिस की तरफ से कोई नोटिस वगैरह नहीं मिली थी। हमने अपने तौर पर यह फैसला लिया कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जहां हुकूमत कोशिश कर रही है, वहां हम भी सब मिलकर ये कोशिश करें कि अपने अपने घरों के अंदर बैठे रहें, बाजारों में, मस्जिदों में, चबूतरों पर, गलियों में अगर हम इकट्ठा होंगे तो ये बीमारी फैलने का डर है, इसलिए हम तमाम ही लोगों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिख भाइयों से, दलितों से, सबसे ये विनती करते हैं कि वो भी इस बीमारी को रोकथाम के लिए अपने अपने घरों के अंदर बैठने का मिजाज बनाएं और इस बात को आम करें, जितना हम अंदर बैठे रहेंगे उतना ही जल्दी से हमारे मुल्क से और हमारे परभणी ज़िले से, हमारे जिंतूर से ये वायरस जो है निकल जाएगा। अच्छा, वायरस निकल जाने के बाद क्या आप फिर से शाहीन बाग को खड़ा करेंगे? जिएंगे तो लड़ेंगे ज़रूर, जब तक हुकूमत इस काले कानून को वापस लेने का फैसला सुनाने देती, हम ये कोरोना वायरस के रुक जाने के बाद, रोकथाम होने के बाद में फिर से शाहीन बाग ही के माध्यम से हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, ये हमारा फैसला है। ठीक है, रेडी निकाल देंगे, रेडी। हम मौलाना तजमुल से, जो शाहीन बाग के मेन कार्यकर्ता थे, उनसे हम मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने आप सब शाहीन बाग के बारे में सब बता दिया है कि किसी के दबाव में आते उन्होंने अपने तरफ से खुद शाहीन बाग को उठाया है और जैसे ही कोरोना वायरस का ख़त्म हो जाएगा, उसकी बीमारी का इलाज मिलेगा और उस ख़त्म होने के बाद में फिर से शाहीन बाग को खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसे उन्होंने नोटिस जारी की है तहसीलदार के पास। ठीक है। आणि याचबरोबर आजचं हे बातमीपत्र संपलं। शहरातील ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा इन परभणी न्यूज। नमस्कार।